हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बेबी झबला बनाना बताऊंगी गर्मियों के सीज़न में पहनाने के लिए। तो सबसे पहले झबला बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है। कपड़े को मैंने झबले की लंबाई के हिसाब से कट कर लिया है। तो लंबाई इसकी मैंने रखी है 12 इंच। ये झबला आप 0 से लेकर 2-3 महीने तक के बच्चों को पहना सकती हैं आराम से। और इसकी चौड़ाई है 9.5 इंच, जो कि इसमें आगे और पीछे का दोनों पार्ट है इस चौड़ाई में। तो ये झबला हमें आगे से खुला हुआ बनाना है। तो देखिए, जो साइड खुली है उसको मैंने यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल बराबर सेट करके रखा है। मैंने कोई भी कपड़े को आगे पीछे नहीं किया है, क्योंकि इसमें हमें पाइपिंग लगाना है, इसलिए मैंने कपड़े को सेम साइज़ से बिल्कुल बराबर रखा है। कपड़ा हमारा इस तरीके से 4 फोल्ड में हो गया। आगे वाला दोनों पार्ट खुला है, पीछे वाला बंद है। तो अब सबसे पहले हम इसके लिए निशान लगाएंगे। तो निशान हम ऊपर से लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से पहले हम गले के लिए निशान लगाएंगे और आर्मोल का निशान लगाएंगे। इसमें कोई ख़ास कटिंग नहीं होती है छोटे बच्चों के कपड़े में। तो देखिए, यहाँ से मैंने गले के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ से 1.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। ये गले का निशान है। अब यहाँ से निशान लगाना है कंधे का, जो कि मैं 2 इंच पर निशान लगाऊँगी। तो 2 इंच पर कंधे का निशान, 1.5 इंच पर गले का, टोटल 3.5 इंच मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ से 4 इंच नीचे एक और निशान लगाना है और इसको इस तरीके से निशान लगा करके बना लेना है चौकोर शेप में। और यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई देना होगा। तो इस तरीके से हमारे आर्मोल का निशान बहुत ही ईजी लग जाता है। अब ये निशान लगाने के बाद यहाँ से गले की गहराई का निशान लगाएंगे। ये निशान हम 2.5 इंच की गहराई में लगाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों का है, तो इसलिए ज़्यादा डीप गला नहीं रखेंगे। तो देखिए, मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा करके इस तरह से बॉक्स बना लिया है और यहाँ से हमने गोलाई का शेप दे दिया है। तो ये हो गया आगे का गला। तो यहाँ से सबसे पहले हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। आर्मोल की कटिंग हो चुकी है, अब हमें गले की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम पीछे वाले गले के लिए 1 इंच की गहराई में गले को यहाँ से हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने पीछे का गला कटिंग किया है। अब ये जो हमारा खुला हुआ पार्ट है, इसमें से हमें आगे का गला कट करना है। तो जो मैंने निशान लगाया है वो हमारा आगे का गला होगा, तो इसी निशान पर हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा आगे का गला। अब इसको हम यहाँ से खोलेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें पाइपिंग लगाना है। इसके लिए यहाँ पे सिलाई करने में थोड़ा सा हमें हल्का सा राउंड देना होगा। तो बिल्कुल 1/2 इंच पर यहाँ से हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये इस तरीके से आपको बस कॉर्नर कट कर देना है, और कट करते वक्त यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई हम देंगे ताकि हमें पाइपिंग घुमाने में ईजी रहे। तो देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने कट किया है, बिल्कुल 1/2 इंच जितना। और यही गोलाई हमें यहाँ भी कट करनी है नीचे की साइड में, क्योंकि हमें पूरा राउंड शेप में पाइपिंग लगाना है, यानी कि आगे से पीछे तक। तो यहाँ की गोलाई के लिए हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इसे भी इस तरीके से तिरछा निशान लगा देंगे और कट करते वक्त थोड़ा सा हम गोलाई दे देंगे, हल्की सी गोलाई। तो इस तरीके से मैंने यहाँ की भी कटिंग कर ली है। अब ये कटिंग करने के बाद सबसे पहले हम इसको खोलेंगे इस तरीके से। ये हमारे झबले की टोटल कटिंग है, पूरी कंप्लीट कटिंग। कटिंग करने के बाद अब बारी आती है पाइपिंग की, यानी कि अब सिलाई की बारी आती है। तो हमें पाइपिंग से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम झबले को उल्टी साइड रखेंगे, और उल्टी साइड रखने के बाद मैंने लंबी सी पाइपिंग बना करके तैयार की है। ये पाइपिंग मैंने उरेब कपड़े की बनाई हुई है, उरेब कपड़े से पाइपिंग अच्छी बनती है। तो इस तरीके से दोनों आर्मोल में हम पाइपिंग को लगा लेंगे। नीचे की साइड से इसे जॉइंट करेंगे, ऊपर की साइड से इसे हम फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले दोनों पाइपिंग हम बना लेंगे। तो देखिए, हमारी पाइपिंग बन चुकी है। ये पाइपिंग बनाने के बाद अब सबसे पहले इस वाले कपड़े को यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे, और इस वाले कपड़े को यहाँ पर फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद दोनों कंधे पर सिलाई लगाएंगे। कंधे की सिलाई लगाने के बाद फिर ये इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा, दोनों कंधा हमारा जॉइंट हो जाएगा। तो फिर हम पाइपिंग लेंगे, और इस पाइपिंग को हम पूरे राउंड से इस तरीके से घुमाते हुए पूरे गोलाई में हम पाइपिंग लगा देंगे। इस तरीके से हम घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे,
अगर हमारी पाइपिंग छोटी हो तो हम इसमें और भी ज्वाइंट कर लेंगे, वैसे हमारी पाइपिंग छोटी नहीं है। तो देखिए मैंने पाइपिंग लगा करके इसको कंप्लीट कर लिया है। हमारा झबला पूरी तरीके से रेडी है, बहुत ही कम वक्त में ये बन के तैयार हो जाता है बहुत ही ईजिली, और पहनाने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो पाइपिंग मैंने पूरी गोलाई से इसको ज्वाइंट करके, नीचे की साइड से ज्वाइंट करके ऊपर की साइड से मैंने इसको फिनिशिंग दी है। अब ये झबला तैयार करने के बाद अब बारी आती है बटन की, तो हमें इसमें बटन लगाना होगा। ऊपर वाले पार्ट में काज बनाएंगे, नीचे वाले में हम बटन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से बटन, इस बटन को हमें लगा करके तैयार करना है। तो सबसे पहले हम झबले को अब साइड में रखेंगे, बटन को बाद में लगा लेंगे। अब बारी आती है नेपी बनाने की, तो नेपी बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। कपड़ा हमारा थोड़ा सा प्रिंट इसमें से आउट हुआ है, यानी कि हमारा प्रिंट वहाँ पे नहीं हुआ है, तो इसके लिए सॉरी। सबसे पहले हम नेपी बनाने के लिए कपड़े की लंबाई चौड़ाई नापेंगे। तो इसकी लंबाई मैंने 16 इंच ली है, तो हमें चौड़ाई भी 16 इंच ही लेना है, यानी कि हमारा कपड़ा चारों तरफ से बिल्कुल सेम साइज़ में रहेगा। तो इधर की साइड से भी आप देख सकती हैं 16 इंच है, और कपड़ा थोड़ा सा छोटा होने की वजह से मैंने इसमें जॉइंट भी लगाया है। तो इस तरीके से कपड़े को मैंने फोल्ड करके एक रुमाल के स्टाइल में, यानी कि इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड कर लिया है। इसी तरीके से हमने कटिंग भी कर लिया है इसको। तो आप थोड़ा सा छोटा बड़ा भी बना सकती हैं 1-2 इंच, लेकिन ज़्यादा नहीं, छोटा बड़ा बनाना है। तो यहाँ पर हम एक पट्टी लगाएंगे, तो पट्टी भी मैंने बना करके तैयार कर ली है। इसकी लंबाई मैंने ली है 4 इंच, और चौड़ाई मैंने इसकी 2 इंच ली थी, जो मैंने सिलाई लगा करके इसको पलट लिया है ताकि हमारा धागा अंदर चला जाए, क्योंकि मैंने झबला बनाया था ब्लैक कलर के धागे से, तो धागा ऊपर से दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से सिलाई कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस पट्टी को रखेंगे, और रख करके यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ेंगे, फिर यहाँ से सिलाई लगा लेंगे ताकि पलटने में इजी रहे। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधी साइड पलट देंगे। धागा मैंने वही यूज़ किया है ब्लैक कलर का, क्योंकि हमारी ये अंदर की सिलाई है, अगर ऊपर की सिलाई हो तो आपको धागा चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको सीधी साइड पलट लेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने पट्टी ज्वाइंट की थी, इसको हम यहाँ से पकड़ के इस तरीके से सेट कर लेंगे। यहाँ का मैंने सेट कर लिया है। अब ये जो इसका कोना है, इसको हम कोई भी इस तरह के टूल से सही कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको भी फिनिशिंग दी है, दोनों कोने को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरीके से सेट करने के बाद ये जो पट्टी है, इसको हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। एक बार और फोल्ड करके यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है। ये सिलाई लगाने के बाद फिर हमें यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके सेंटर में हमें एक निशान लगाना होगा। ये सेंटर में निशान लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे 2-4 चुनट हल्का हल्का लगाएंगे, जो कि बेबी की कमर की फ़िटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी फ़िटिंग अच्छी नहीं आती। और जो मैंने थोड़ा सा खुला हुआ पार्ट छोड़ा था, उसको भी मैंने पैक कर दिया है सिलाई करके। तो इस तरीके से हमारी नेपी पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट है, पहनाने के लिए बिल्कुल कंप्लीट है। इसको पहनाने के लिए इस साइड से पहना करके फिर इस तरीके से इसमें इसको इधर से डालना होगा, और इसको इधर से, और इस यहाँ पर हमें इसको बांध लेना होगा। तो ये हमारी नेपी बिल्कुल रेडी है। नेपी के साथ साथ मैंने झबले को भी रेडी कर लिया है, इसमें भी मैंने बटन लगा करके पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा प्यारा सा झबला और नेपी बेबी के लिए तैयार है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।